हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। जी टी एफ आई की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और जैसे कि मैंने आपको लास्ट एपिसोड में कहा था, क्या भाई आप इन सब इंडियन कार्स की एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग देखना चाहते हो, तो आप में से बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई हाँ भाई हमको एक्सट्रीम ऑफ रोडिंग देखनी है। क्योंकि पिछली वीडियो में तो अपने नॉर्मल टाइप में ऑफ रोडिंग किए थे, एकदम उसमें कुछ उतना कुछ खास नहीं था। लेकिन भाई आज हम फिर से अपनी चारों कार्स को लेकर आ गए हैं, अपनी महिंद्रा एक्सयूवी को, महिंद्रा स्कॉर्पियो को, टोयोटा की फॉर्च्यूनर को और फोर्ड की एंडेवर को। ये चारों कार्स का आज ऑफ रोड टेस्ट होने जा रहा है और भाई सबकी बारी बारी से ऑफ रोडिंग की जाएंगी। और आप लोगों को अगर कमेंट सेक्शन में बताना है कि भाई सबसे अच्छा परफॉर्म किस कार ने किया, सबसे अच्छा परफॉर्म किस कार ने ऑफ रोडिंग में की, ये आपको बताना है दोस्तों कमेंट सेक्शन में। और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करना। और ऐसे ही GTFI के इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर सकते हो। आपको बहुत मजा आने वाला है आज की इस वीडियो में। और कमेंट करके जरूर बताना है कि कौन सी कार ने सबसे बढ़िया परफॉर्म करी इस ऑफ रोडिंग में। तो इस टेस्ट की शुरुआत करेंगे हम अपने फ्रैंकलिन भैया से, जो चलाने वाले हैं अपनी महिंद्रा की XUV500। और यार सारे के सारे कार्स को हम एक साथ नहीं लेके जाने वाले लास्ट वीडियो की तरह, एक एक करके सारी कार को लेके जाएंगे यार, क्योंकि इनमें टकराव वगैरह हो सकता है, कोलूजन हो जाएगा भाई फालतू में, और बहुत ही छोटा रास्ता है। तो यार इससे बेटर है कि सबको बारी बारी से लेके जाए और उनकी परफेक्ट ऑफ रोडिंग टेस्टिंग की जाए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। ये मैप है तो छोटा सा, लेकिन ये रास्ता इतना भयंकर है ना दोस्तों, मतलब यहाँ पे बाइक मोटर बाइक्स के लिए भी बहुत ही छोटा रास्ता है। तो अभी हम अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अभी तो मैं बिल्कुल स्लो जाऊँगा, यहाँ पे स्पीड या 30, 35, 45 के आसपास ही रहने वाली है, उसके ऊपर जा ही नहीं सकती। क्योंकि अभी आप देख लो दोस्तों, यहाँ पे रोड्स बिल्कुल भी नहीं है भाई। तो अभी देखो भाई क्या होता है, पता नहीं एक्सयूवी कैसे परफॉर्म करती है। यहाँ पे तो फिलहाल ठीक चल रही है। ओ भाई पत्थर सामने, चलो कोई नहीं, यहाँ से निकल गए अच्छे से। अभी तो बस शुरुआत हुई है यार, अभी जल्दी क्या, अभी देखते आगे और क्या होता है। पूरे आड़े तड़े रोड्स हैं यहाँ पे, रोड्स नाम की कोई चीज़ यहाँ पे नहीं है भाई। गाड़ी का एक चक्का हवा में है, इस साइड के चक्के हवा में है, उस साइड के चक्के नहीं है। देखो देखो पूरी आड़े तड़े होगी चल रही यार। ओ भाई ये तो बहुत ही भयंकर चल रही। अब देखो यहाँ पे स्टेयर्स भी आ गए जहाँ पे कुछ लोग चढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे थोड़ी स्पीड में लूँगा मैं फट से, और शायद फटाक से चढ़ जाने को ना यार। और भाई ये देखो बहुत ज़बरदस्त इसका परफॉर्मेंस यार, मुझे मस्त लगा। अब अपने को चढ़ाई करने की है। और भाई देखो अपील शुरू हो गई यार, थोड़ा सा प्रिपेयर कर लेता हूँ अपने आप को। तो यार चलो भाई अपनी अपील पे। ये देखो भाई रास्ता है, देखो ये भाई रोड की बात कर रहा था। ओ भाई देखो ज़रा सा भी स्लिप हुआ है, सीधा नीचे गाड़ी खाई में। उस दिन जब अपन ऑफ रोडिंग कर रहे थे, इसके मामले में कुछ भी नहीं है। ये देखो भाई गाड़ी को बिल्कुल स्लो एंड स्टडी लेके जाने का है। यहाँ पे बस नॉर्मल जो पेड्स रहते हैं उनके लिए जगह है, नॉर्मल जो अपन जो चलते हैं उसके लिए जगह है। यहाँ पे कार के लिए तो जगह भूल भी जाओ, लेकिन फिर भी अपन इतने मान लोग चला रहे किसी भी तरह, जो मिल रहा है वहाँ पे अपन चला ले रहे। यहाँ पे डिज़ायर वगैरह तो भाई टिक भी नहीं पाएंगे, सीधे स्लिप हो जाएंगे नीचे। भाई ये सीढ़ियाँ किस टाइप से यार, यहाँ पे रास्ता भी है कि नहीं आगे? हाय, थोड़ा आराम से। ओ भाई गिरना नहीं। अरे कहाँ जा रही है भाई, ये गलत जगह जा रहा मैं, रास्ता इस साइड में। हाँ रास्ता इस साइड में यार, सॉरी इस साइड में। अरे लफड़ा टूटा रे। ओ भाई देखो, देख रहे हो भाई रास्ता ही नहीं है, कहाँ है रास्ता। और यहाँ पे देखो इतना भयंकर टर्न, अगर थोड़ी स्पीड ज़्यादा रह रही तो मैं सीधा फिर से नीचे चल जाता। टर्न भी बड़ी मुश्किल से हो रहा है यार ये, क्योंकि ज़्यादा पीछे भी नहीं ले सकते, ज़्यादा आगे भी नहीं ले सकते। चलो यहाँ से तो निकल गए। और उबड़ खाबड़ तो देखो भाई, सामने का रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है। यहाँ पे एक्सयूवी आ भी कैसे जा रही है मेरे को वही समझ में नहीं आ रहा यार, इसको पूरा संभल के चलाना पड़ रहा है यार। देखो आप एक बार इतने भयंकर रॉक्स वगैरह, क्या बात है। फिर भी अभी अच्छी, अभी तो अभी तक तो अच्छी कर रही है परफॉर्मेंस अपनी गाड़ी। और सामने देखो ऐसे लकड़े वगैरह लगे हुए हैं यहाँ पे, इनको शायद तोड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अपनी गाड़ी ऐसे नहीं जाने वाली। और अपन कोशिश भी करें, देखो टूट गया रे, ये लकड़ा टूट गया, ये भी टूटा। चलो कोई नहीं, अभी एक और मोड़। ओ भाई ये कहाँ जा रहा है यार ये, भाई यहाँ पे थोड़े ज़्यादा देना पड़ेगा स्पीड, नहीं तो नीचे फिसल जाएंगी। अभी तो सब तो बढ़िया ही चल रही है। चलो भाई XUV आज निराश नहीं करने का है अपने को, आज फ्रैंकलिन भैया चला रहे हैं तो अच्छे से चलाएंगे। ओ भाई ये सामने क्या आ गया, पूरा 180 डिग्री टर्न है, पूरा 180 डिग्री। नीचे देख रहे हो पूरा पानी पानी यार, पूरा पानी है। अभी समझ में नहीं आ रहा यहाँ से कैसे लूँ। इस साइड से थोड़ा सा मुझे स्लोप दिखाई दे रहा है, यहाँ से टायर ऊपर चढ़ाने की कोशिश करता हूँ, शायद चढ़ जाए भाई पूरी। ओ भाई थोड़ा आराम से थोड़ा पीछे रिवर्स जा थोड़ी सी, थोड़ा आराम से। ओ भाई चक्का हवा में फिर से, आराम से XUV। ओ भाई ये कौन सा एक्सपीरियंस था भाई, निकल के तो आई कम से कम, फाइनली हम इतने ऊपर तो पहुँचे भाई। अब एक और टर्न आया है, ये भी शायद उसी जैसा ही है, उसके जैसा नहीं है लेकिन भाई थोड़ा हार्ड है टर्न।
ठीक है चलो ये भी पार कर लिए, बहुत सही यार, एक्सयूवी अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है यार, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई। चलो चलो ऊपर चलो भाई, अब ये एकदम कितने ऊपर जाने का है भाई। अरे ये क्या हो गया भाई, ओ भाई स्लिप मत कर, नहीं 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 अरे यार इसके टायर स्लिप मार रहे यार, अरे भाई नहीं भाई नीचे हो जाएंगी यार, ये ऐसा नहीं चल सकता। कम ऑन कम ऑन बॉय, कम ऑन कम ऑन एक्सयूवी, कर कोशिश कर कोशिश कर। ओ भाई हो गया हो गया हो गया भाई, ओ भाई ये यार गिरती है, मेरे को थोड़ा सा रुक जा, रेस्ट लेना पड़ेगा यार इसके लिए। फाइनल यार इतने ऊपर तक पहुंच गया यार, रुक जाओ भाई कहाँ तक इतना भाई, ये पूरे इसके टायर स्लिप हो गए थे यार, मेरे को लगा कि अब वो नहीं कर सकती यार, नीचे चोने वाली थी, फिर भी इसके टॉक ने बता दिया कि भाई ये चढ़ सकती है ऊपर, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन लेकिन स्लिप होने के चांसेस बहुत थे यहाँ, अगर स्लिप हो जा रही तो फिर वो उसको नीचे से वापस ऊपर लाने में बड़ा टाइम लग जा रहा। ओह भाई देखो दोनों तरफ खाई ही खाई है, इधर भी खाई खाई उधर भी खाई खाई, क्या बात है। ओ भाई कहाँ जा रहा हूँ, यहाँ पे रास्ता है कि नहीं, आगे मैप में दिखा रहा है रास्ता है आगे, यहाँ पे नहीं शायद, इस साइड में जाके देखता हूँ शायद से, इधर है क्या भाई, नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा ना, नहीं 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 रास्ता है रास्ता है रास्ता है, अभी शायद वो एक लावे पता नहीं क्या है, वो स्टेशन जैसे कुछ दिख रहा, टावर स्टेशन कुछ तो भी है, वो टावर जब मोबाइल टावर वगैरह लगते नहीं क्या, वो दिख रहा है। तो भाई बस यहीं तक रखते हैं, अभी अपने डेस्टिनेशन पे अपन पहुंच चुके हैं, और भाई यहाँ से अपने को माउंट चिलाइट दिखाई दे रहा है, और ये माउंट चिलाइट से भी भयंकर ऑफ रोडिंग करके आए भाई अपन इधर। अभी फिर अपनी फ्रैंकलिन भैया की ऑफ रोडिंग कम्प्लीट होती है, चलते हैं भाई अब माइकल दादा की तरफ। अब बारी अपने माइकल दादा की, जो चला रहे हैं अपनी महिंद्रा की स्कॉर्पियो, तो देखते हैं भाई ये कैसा परफॉर्म करती है। और दोस्तों आपको रेटिंग देनी है यार, भूलो मत, कमेंट सेक्शन में बार बार बोल रहा हूँ कि आप बताना कि सबसे अच्छी किस गाड़ी में परफॉर्म करी भाई, किस गाड़ी ने सबसे बढ़िया परफॉर्म करी ऑफ रोडिंग में यार, ठीक है। तो अभी अपनी स्कॉर्पियो की जर्नी अपन शुरू करते हैं, और इस बार थोड़ा आराम से करते हैं यार, क्योंकि अपने देख लिए रास्ते कितने भयंकर हैं, और बहुत ही छोटे छोटे रास्ते हैं, तो स्कॉर्पियो में देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करती है। वैसे तो इस एक्सयूवी से ज़्यादा भारी चल रही है फिलहाल अभी, क्योंकि जो ये वाला जो वेरिएंट है ये 4x4 वाला वेरिएंट है, और एक्सयूवी का जो अपन वेरिएंट यूज़ कर रहे थे वो था 4x2, तो इसमें बहुत डिफरेंस होने वाला है, इसकी ऑफ रोडिंग शायद आपको थोड़ी सी अच्छी लगेगी, क्योंकि ये 4x4 वाला वेरिएंट है, ठीक है। अभी देखते हैं किस तरीके से परफॉर्म करती है। ओ भाई खरगोश का बच्चा, चले जा भाई चले जा। अरे ये दो लोग फिर से यहाँ पर चढ़ाई कर रहे यार, अब ये थोड़ा सा एक्सेलरेटर बढ़ाता हूँ, अब भाई हट जाओ भाई, अरे हट जाओ। ओ भाई नहीं 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 नहीं, ओ भाई मर गया, करे क्या हुआ भाई, मर गया, नहीं नहीं जिंदा है जिंदा है। अरे भाई मेरे ऊपर चिल्ला रहा भाई, तेरी जान बच गई, शुक्र माना भाई, तेरे ऊपर से स्कॉर्पियो गई यार, अजीब आदमी है, स्कॉर्पियो उसके ऊपर से चले गए यार, जान बच गई जिंदा, शुक्र माना ना, तो मेरे से आके लड़ रहा। और ये बाप रे, इस चीज़ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, उस बंदे के चक्कर में अटक गई क्या, नहीं 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 अटकती नहीं अटकती, स्कॉर्पियो नहीं अटकेंगी भाई, 4x4 वाला वेरियंट है, ये डिफरेंट होता है। ओ भाई ये लेकिन थोड़ा संभल के, टायर स्लिप मार रहे हैं यार, इसके भी टायर स्लिप मार रहे हैं। और अपन फिर से अपन स्टेयर्स की तरफ पहुंच गए, अब स्टेयर्स की तरफ देखते हैं अपनी स्कॉर्पियो कैसा परफॉर्म करती है। अरे रे 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 यार बार बार पीछे ही हो जाती है ना, मेरे को बड़ा जान धक से होता है यार, क्योंकि अगर ये स्लिप हो गई तो नीचे से जाने ऊपर लाने में बहुत टाइम लगेगा। ये देखो भाई ये क्या परफॉर्म करिए, हाँ अरे रे 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 रुक जा, अरे बाप रे भाई, ये चक्का तो पूरा हवा में था भाई अभी, लेकिन फिर भी ये तो भाई 4x4 की बात ही अलग होती है ना, कि आसानी से टर्न ले सकते हैं भाई, और आसानी से अगर एक चक्का हवा में भी रहा तो गाड़ी अच्छे से कंट्रोल में रहती चाहिए। अरे रे ये थोड़ा आराम से, यहाँ पे फिर से आराम से करना पड़ेगा यार, जैसे स्कॉर्पियो की हैंडलिंग मुझे एक्सयूवी से बेटर लग रही है फिलहाल, क्योंकि इसका मतलब गाड़ी पे अपने को पूरा कंट्रोल रह रहा, एक तरफ अगर झुक भी जा रही है तो डर नहीं लग रहा। अरे रे 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 भाई 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 अब डर लग रहा है, अब डर लग रहा भाई, सीधी हो जा सीधी हो जा सीधी हो जा सीधी हो जा। ओ भाई मैंने अभी बोला मुझे डर नहीं लग रहा, और ये क्या बदतमीजी है स्कॉर्पियो, माइकल दादा सही से चला यार, अभी मैंने बोला कि डर नहीं लग रहा और गाड़ी अभी उल्टी होने वाली थी, माइकल दादा ऊपर पहुंच जाते क्योंकि यहाँ से नीचे गिरने वाले बचते नहीं बिल्कुल भी। और भाई इसका एक्सेलरेशन बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव है यार, थोड़ा स्लो स्लो चलाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे 50 तक की स्पीड यहाँ पे भी कैच कर ले रही, और अब अपना आया डेंजरस 180 डिग्री टर्न, अब स्कॉर्पियो एक झटके में अपने को ये पार करने का है, प्लीज़ निराश मत करना, चल 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 निराश नहीं। अरे क्या एक झटके में कहाँ, आराम से जान दे, आराम से लेते इसको। ओ बाप रे बाप, ये बार बार इसके चक्के हवा में क्यों हो जाते हैं, दूसरी भी तो गाड़ियाँ है ये। चलो लेकिन बहुत आसानी से पार हो गए, एकदम स्मूथ ये होगी ना बात भाई। अरे अरे एक्सेलरेशन देखो 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 एक्सेलरेशन, फिर इसका हाई इतना जाके जा रहा भाई, सामने हो जाएंगी ना सीधा लंबी हो जाएंगी सामने। ओ चलो यहाँ पे 30 तक 30 30 30, हाँ आराम से देख रहे हो भाई कितने हाई आ गए अपन, देखो माउंट चिलाट यहाँ से कितना छोटा दिख रहा है भाई,
लगभग लगभग कह सकते उसी ऊंचाई पे है अपुन, सेम उसकी ऊंचाई पे नहीं लेकिन लगभग, यहाँ से अपने को साफ दिखाई दे रहा है भाई, वो भी इतना छोटा दिख रहा है। और भाई यहाँ पे देखो भाई कितनी सी जगह है भाई, इतना मतलब वैसे पत्थर वगैरह की वजह से तो आप पूरी गाड़ी उछल जा रही है। चारों कार्स को सर्विसिंग और टायर चेंज की ज़रूरत पड़ने वाली है भाई ऑफ रोडिंग के बाद, ये बात तो कन्फर्म है। तो भाई चलो अभी अपन ऊपर आ गए, और मुझे ऐसा लग रहा पता नहीं क्यों, अरे अरे नहीं यहाँ पे 100 नहीं अचीव करते भाई स्कॉर्पियो, थोड़ा शांति रुक जाओ, शांति शांति। ये एक्सेलरेशन बहुत ज़बरदस्त पकड़ ली है, और यहाँ से यहाँ पे इस साइड में जाने का है भाई, मैं तो फिर वो रोहित शेट्टी के मूवी जैसा हो जाएगा सीधा जम्प। और अपन कोई सिंगम विंगम तो है नहीं भाई कि चलती हुई गाड़ी से बढ़िया उतर जाएंगे। तो चलो भाई अपनी स्कॉर्पियो पहुंच चुकी है अपने डेस्टिनेशन पे, मैं फ्रैंकलिन भैया भी खड़े इधर, चलो इसको मैं अच्छे से पार्क कर देता हूँ थोड़ा आराम से भाई, क्योंकि यहाँ पे पार्किंग की जगह तो है नहीं, अपन थोड़ा बहुत ऐसा ऐसा मैनेज करके लगाना पड़ेगा। ओ भाई नहीं 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 भाई क्या माइकल दादा कैसे चला रहे हो यार, अभी सीधा नीचे उतरती थी गाड़ी, बार बार गिरा देती है। तो चलो भाई अपने माइकल दादा की भी ऑफ रोडिंग कम्प्लीट हो गई भाई, अभी अपने दो लोगों ने ऑफ रोडिंग अच्छे से कंप्लीट कर ली, माइकल दादा और अपने फ्रैंकलिन भैया, तो दोनों की ऑफ रोडिंग अब अच्छे से कंप्लीट हो चुकी है। तो अब बारी है अपने जिमी भैया की, तो चलो भाई जिमी भैया के पास चलते हैं और अपनी ऑफ रोडिंग शुरू करते हैं फॉर्चुनर से। वैसे तो जिमी भाई अपने नौसिखिया है, बहुत ही नौसिखिया टाइप की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन फिर भी अब फॉर्चुनर का कमाल देखते हैं, ये भी 4x4 वेरियंट ही अपन चला रहे हैं फॉर्चुनर का। यहाँ पे एक्सयूवी ऐसी गाड़ी है जो 4x2 थी, बाकी जितने भी अपने पास गाड़ियाँ हैं सब 4x4 है, ठीक है। तो अभी देखते हैं ये किस टाइप से परफॉर्म करती है, और अभी जब से मैं चला रहा हूँ इसको ये बात तो कन्फर्म है इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी भयानक है दूसरे कार्स के मुकाबले, अभी देखना है कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता। वैसे तो इसकी एक हैंडलिंग के बारे में एक बहुत ही भयंकर बात है कि इसकी हैंडलिंग काफ़ी ज़्यादा हैवी है, मतलब देखो भाई, ओ अरे ये क्या भाई, स्टार्टिंग में से तो गाड़ी ऐसे अपने जलवे दिखाने लग गई, अभी तो दिल्ली दूर है भाई, अभी अपने को और ऊपर चढ़ना है और स्टार्टिंग में ऐसे करना शुरू कर दी। और देखो भाई जैसा कि आप अभी देख सकते हो ये गाड़ी थोड़ी सी, मतलब नहीं कि इसकी हैंडलिंग थोड़ी सी रफ़ एंड टफ़ है, इसको चलाने के लिए बहुत ही आराम से चलाना पड़ता है, ऐसे प्लेसेस पे तो मुश्किल से चढ़ती है ये। तो ये इसने स्टेयर्स तो आराम से क्रॉस कर लिया यार, चलो कोई नहीं, अरे बाप रे तो उछल रही है भाई, इतने सस्पेंशन इतने भारी है क्या, उछल रही है लिटरली उछल रही है यार। ओ भाई देखो पत्थर से उछल जा रही है यार ये, थोड़ा आराम से रहना पड़ेगा यार इसको, ये गाड़ी मेरे कंट्रोल के बाहर है, सच में भाई ये गाड़ी मेरे कंट्रोल के बाहर है। मैं जैसा मैंने एक्सयूवी को चलाया था, स्कॉर्पियो को चलाया था, वैसे ही इसको चला रहा हूँ, लेकिन ये गाड़ी मेरे कंट्रोल में नहीं रहती भाई, फॉर्चुनर अपने कंट्रोल में नहीं है भाई, इसकी अलग ही टेंशन है भाई। अरे यार थोड़ा इस साइड से लेना पड़ेगा, वो देखो भाई ये थोड़ा सा फिसल बहुत रही है, 4x4 वेरियंट होने के बाद शायद इसके टायर्स का साइज़ वजह से, इस वजह से शायद फिसल रही हो वो, सब मैं नॉर्मल टायर्स ही फिट किए हैं अपन, और अभी देखते हैं स्टेयर्स पे कैसा परफॉर्म करती है। ओ बाप रे भाई देख रहे हो कैसे इसके सस्पेंशन, पूरी गाड़ी हिल जा रही है। ओ अपना टर्न आ गया है, ये बाप रे, वैसे देखो मतलब इजीली टर्न ले रही है, लेकिन बस इसकी हैंडलिंग से बड़ी मेरे को दिक्कत है, मतलब स्टीयरिंग व्हील मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं रहता, जब भी मतलब अगर थोड़ा सा भी लेफ्ट या राइट कर देना तो गाड़ी उस साइड में बहुत ही ज़्यादा झुक जाती है, यही बात मुझे इसकी पसंद नहीं है बस, बाकी तो सब बढ़िया है। ये लकड़े तो पता नहीं कितने बाहर टूटेंगे यार, बार बार वही लकड़े टूटते जा रहे हैं भाई, यही बात कर रहा था मैं, इसकी जो हैंडलिंग है ना देख लो दोस्तों, ऐसा लग रहा है जैसे ड्रिफ्ट कर रही हो यहाँ पे, टोक्यो ड्रिफ्ट का म्यूजिक बजाओ कोई। अब देखो भाई सबसे भयंकर फिर से 180 डिग्री आ रहा है, अब 180 डिग्री में देखते हैं इसका परफॉर्मेंस। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ, एक मिनट थोड़ा सा आराम से सोचते पहले करने से, इस साइड से चलते चलो। ओ भाई नहीं 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 एक और बार फिसल रही है, फिसल रही है, फिसल रही है, आराम से भाई पूरी फिसल गई। ओ भाई रुक जाओ आराम से, ये तो ड्रिफ्टिंग ही कर रही है भाई यहाँ पे, चलो भाई पार तो करिए अच्छे से, यहाँ पे भी अच्छे से पार कर ली, चलो बहुत सही भाई, मतलब अच्छे पार कर रही है, लेकिन इसकी हैंडलिंग इशू है बस, बाकी कुछ नहीं है, अच्छा ही कर रही है। अरे कम ऑन फॉर्चुनर, चलो ऊपर चलो 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 चलो, अरे अरे साइड यार ऑफ रोड हो रही है सच में, यहाँ यहाँ से रोड में भी ऑफ रोड हो रही है, ऊपर चल चल ऊपर चल, अरे अरे ये कहाँ जा रही है भाई, मैं इसको कंट्रोल यार शिट, ये गलत दिस डायरेक्शन में जा रही है, बहुत गलत स्थान पे जा रही आ रही है। ओ सामने एक और आ गया, ये थोड़ा मोड़ है इसके, बस मुझे मोड़ से डर लगता है क्योंकि गाड़ी उछल बहुत रही है, लगता है इसका सस्पेंशन में मुझे काम करवाना पड़ेगा यार, फिर भी इतनी चुनौतियों और कठिनाइयों के बाद हम अपने टॉप पे आ गए। ए नहीं कहाँ जा रही है भाई, इस साइड में चल, सीधा 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 सीधा,
चल 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 चल, अरे 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 भाई नीचे हो जाएंगे यार, कैसे चल रही है यार। मैं तो सही सीधा चला रहा हूँ यार, इसकी हैंडलिंग में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। दया पता लगाओ यार, गड़बड़ क्या है इसकी हैंडलिंग में। अभी बैनी को पता लगाना पड़ेगा यार यहाँ पे कि इसकी हैंडलिंग में गड़बड़ क्या है। लेकिन फिर भी पहुँच चुकी है अपनी फॉर्चुनर भी। अभी इसको लगाए तो लगाए कहाँ भाई, यहाँ पे दो गाड़ी ऑलरेडी लग के यहाँ पे लगा देते हैं, अपने बाप का कह जाता है। चलो भाई, जिमी भैया की ऑफ रोडिंग कम्प्लीट हो चुकी है, अब भारी है सिर्फ अपने ट्रेवर भाई साहब की। और ट्रेवर भाई साहब पता नहीं क्या करेंगे भाई, और उनके हाथ में उनकी गाड़ी नहीं है बल्कि वो एंडेवर है, किसी और की एंडेवर है, जिमी के फ्रेंड की। चल देखते हैं अपने ट्रेवर भाई साहब क्या कमाल मचाते हैं। वैसे दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया तो यार प्लीज़, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इस वीडियो पे एक लाइक कर दो, और चैनल को अगर आप देख रहे हो तो यार सब्सक्राइब कर दो यार, क्योंकि मैं ऐसे बढ़िया बढ़िया और वीडियोज़ आपके लिए लेके आऊँगा। और बहुत सारे आपको इंडियन कार्स और बाइक्स और भी इसमें देखने को मिलने वाली है, अपन बहुत सारी कार्स इम्पोर्ट करने वाले हैं इंडिया से, तो यार सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और भाई अपने एंडेवर तो देखो यहाँ से स्टार्टिंग से शुरू हो गई यार, इसकी स्पीड देख रहे हो भाई, ऐसा लग रहा है तो बीस्ट है। अरे भाई इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा भाई, मस्त है भाई। ओ खरगोश के बच्चे भाई, बार बार यहाँ पे क्यों आ रहा है मरने के लिए? और वो दो लोग फिर से बार बार फिर से आए हैं, अब वो फिर से चढ़ रहे हैं। अब मैं इस बार गलती नहीं करूँगा, रुक जाता हूँ मैं थोड़ा सा। हट जाओ, अरे हट जाओ रे। देखते हैं भाई इसका परफॉर्मेंस देखते हैं। 1 2 3 चलो। ओ बाप रे, अरे भाई मालूम तक नहीं पड़ा भाई क्या चल रही है, जबरदस्त भाई इसका तो मतलब। ओ देखो या भाई, ये ऑफ रोडिंग कर रही है कि इसके लिए नॉर्मल रोड है एंडेवर? भाई पता ही नहीं चल रहा कि ऑफ रोडिंग हो रही है यहाँ पे इसके लिए, कितनी स्मूथ लग रही है भाई। और देखो स्टेयर्स को कैसे पार करती है। अरे भाई थोड़ी तारीफ क्या कर दी, नीचे मत जा, नीचे मत जा भाई, पूरी खाई है नीचे। अरे भाई तारीफ कर, सॉरी सॉरी गलती से बहुत ज़्यादा तारीफ हो गई यार। भाई टायर स्लिप हो रहे हैं, मैं पूरा पूरा एक्सेलरेट देख रहा हूँ, टायर स्लिप हो रहे हैं। एक मिनट यार, ये टायर पूरे पीछे जा रहे कैसे यार, रुक जाए एक मिनट थोड़ा सा, मुझे इसका पूरा एकदम कोई एक्सेलरेट नहीं, अब थोड़ा सा यार व्हील्स लॉक हो गए थे भाई, पूरा सीधा नीचे जा रही थी यार। कभी भी यार अगर अपने व्हील लॉक हो गए सबसे पहले एक्सेलरेट देना छोड़ दो, पहले व्हील को ग्रिप बनाने दो और फिर उसके बाद एक्सेलरेट करो, जो मैंने अभी किया। ये ट्रिक रियल लाइफ में भी वर्क करती है वैसे। भाई यार देखो रे, चारों चक्के मिल गए, क्या धुआं निकाल रहे हैं इसके, इसके टायर तो पूरे घिसने वाले हैं भाई। अरे यार क्या, थोड़ी सी तारीफ क्या कर दिया भाई, ये तो ऊपर चढ़ने में ही नखरे करने लगी। कम ऑन भाई, चल जा, चलो निकली तो सही। अब तारीफ लोगों को हज़म नहीं होती, स्पेशली ट्रैवर भाई साहब को तो हज़म नहीं होती, तो मैंने देख लिया, नहीं करूँगा कोई दिक्कत, तारीफ नहीं करेंगे। अभी तो देखो भाई फिर से लग रहे, अब इनको फिर से तोड़ना पड़ेगा। ये तो आराम से चल रही है वैसे, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है ये, क्योंकि ये जो अपनी एंडेवर है इसका साइज ही नहीं क्या, मतलब बहुत ही बड़ा है भाई, एकदम ह्यूज एसयूवी दिखती है, ऐसे चलती है ना जब तो एकदम बड़ी दिखती है यार। तो ये ऑफ रोडिंग तो इसके लिए थोड़ी छोटी मोटी बात है, लेकिन बस टायर स्लिप हो जा रहे हैं, बाकी तो ये जो बड़े से बड़े रोड से उनको अच्छे से क्रॉस कर रही। और देखो देखो देखो, अरे बाप रे भाई, एक ही झटके में स्कॉर्पियो एसयूवी सब ने तीन तीन कम से कम अटेम्प्ट करे चढ़ने के लिए, और इसने तो एक ही झटके में लगा दी भाई। भाई सच में पता भी नहीं चल रहा यार कि मतलब कितनी स्मूथली क्रॉस हो गए, मतलब सच में यार ड्राइविंग करते करते पता चल जा रहा है भाई सबसे ज़्यादा स्पीड में और स्मूथनेस में कौन चला रहा है भाई ऑफ रोडिंग में, पता भी नहीं चल रहा कब अपन क्रॉस कर ले रहे। बस थोड़ा सा जहाँ पे टायर स्लिप खा गए थे, अदरवाइज़ ये गाड़ी देखो भाई चलने में तो बहुत मस्त है, फिर से स्लिप खाए, छोटे से थे इस बार। भाई पहुँच गए यार, बहुत जल्दी पहुँच गए, बाकी कार से कंपैरिजन में अपन बहुत जल्दी ऊपर पहुँच गए यार। उसकी स्पीड भी देखो भाई, स्पीड प्लस कंट्रोलिंग ये दोनों चीज़ इसमें कार में है, यही तो चाहिए भाई, और क्या चाहिए। अरे वाह, तो बहुत जल्दी पहुंच गया यार अपन यार, कुछ ज़्यादा ही जल्दी, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था मैंने इतनी जल्दी पहुंच जाएंगे अपन यार। तो ये चलो भाई, अपने तीनों गाड़े यहाँ पे खड़े हुए दिख रहे हैं। चलो भाई, अपने ट्रेवर भाई साहब भी पहुंच चुके हैं इधर, और अपनी ऑफ रोडिंग टेस्ट यहाँ पे अपना होता है ख़त्म। चारों कार्स का ऑफ रोडिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। तो यार अब आप कमेंट करके बताओ कि सबसे बढ़िया ऑफ रोडिंग में परफॉर्मेंस किसने किया यार, आप लोगों के ऊपर टोटल डिपेंड है। रेटिंग करो, पहले नंबर पे कौन, दूसरे नंबर पे कौन, तीसरे नंबर पे कौन और चौथे नंबर पे कौन, सबसे बढ़िया ऑफ रोडिंग किसने किया ये आपको कमेंट करके ज़रूर बताना है दोस्तों। आप ही यार डिसाइड करोगे कि सबसे बढ़िया ऑफ रोडिंग किंग कौन है भाई इन सब मामलों में, क्योंकि आपने पूरा वीडियो देखे होंगे तो आपको पता चलेगा भाई कि किस गाड़ी ने किस तरीके से परफॉर्म की, ठीक है। तो यार बस फिर आज के लिए इतना ही, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो पर एक लाइक कर दो, शेयर कर दो
और अगर आपको ऐसे ही बड़े बड़े GTA 5 की वीडियोस देखनी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मैं आपके लिए ऐसे ही बढ़िया बढ़िया वीडियोज़ लेके आता ही रहूँगा। मैं मिलता हूँ दोस्तों आपसे अगले वीडियो में।